सो अस्सलाम वालेकुम भाइयों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज एक और टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि ये जो 15.4 अपडेट आ गया, हाँ आ गया है वाकई में। तो मैंने आपको पहले एक वीडियो बनाई थी कि ये अपडेट को लेके मैं काफ़ी एक्साइटेड था, क्योंकि इससे काफ़ी बग्स और काफ़ी इश्यूज़ सॉल्व हो रहे थे। तो क्या वो वाकई सॉल्व हुए हैं, आ गया अपडेट? तो आया तो ये काफ़ी, मतलब 4-5 दिन हो गए हैं ऐसे आए हुए। तो मैंने उस दिन देखा अपडेट आया हुआ था तो 15.4, और काफ़ी बड़ा अपडेट था, यानी इसका साइज़ तकरीबन 1.6 GB से लेके 1.78 GB इतना था साइज़। तो इसे मैंने डाउनलोड कर लिया है। तो क्या मेरे जो इश्यूज़ मुझे अभी तक दिख रहे थे, क्या वो सॉल्व हुए हैं क्या नहीं? तो पहली बात ये करते हैं कि मुझे इश्यूज़ कौन कौन से फेस करने पड़ रहे थे, मैंने कौन कौन से इश्यूज़ अपडेट से पहले देखे हैं जो कि 15.3 के बाद भी सॉल्व नहीं किए गए। तो वो कौन से इश्यूज़ थे? एक तो वो जब रिकॉर्डिंग बंद करते थे तो मैं क्योंकि पीसीज में रिकॉर्ड करता हूँ, मतलब एक गेम प्ले रिकॉर्ड किया फिर दूसरा गेम प्ले रिकॉर्ड किया, तो उस वजह से जब रिकॉर्डिंग का वो जो ऊपर रिकॉर्डिंग ऑफ होने का नोटिफिकेशन जो आता था वो अगली गेम में जब मैं खेल रहा होता था, रिकॉर्डिंग कर रहा होता था, उसमें नोटिफिकेशन आता था और लैग भी करता था जब वो नोटिफिकेशन आता था तो FPS ड्रॉप होता था। तो क्या वो सॉल्व हुआ है, यानी वो हम आगे बात करते हैं। उसके अलावा कौन से इश्यूज़, और अभी जब गर्मियाँ आई हैं तो पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है या आप लोगों ने भी फील किया होगा कि iPad mini 6 थोड़ा सा लेफ़्ट कॉर्नर की तरफ से बॉटम से हीटअप कर रहा था तो 15.3 में, तो मैंने ऐसा फील किया है। तो क्या वो सॉल्व हुआ है, यानी वो किस वजह से हीटअप कर रहा था, तो वो भी आगे बात करते हैं। उसके अलावा एक और जो सबसे बड़ी रीज़न है वो मैं स्टोरेज में जब जाता था, स्टोरेज इशू, तो स्टोरेज में जब जाता था तो उधर अगर मैं कोई वीडियोस बना के पिछली डिलीट कर चुका तो वो फिर भी स्टोरेज फुली बताता था, हालांकि मेरे आईपैड में स्टोरेज होती थी लेकिन वो फिर भी उतनी बताता था कि आपकी मतलब कम स्टोरेज अब बाकी है। तो क्या वो सॉल्व हुआ है या नहीं, अब हम बात करते हैं सबसे पहले हीटअप के इशू के बारे में। हीटअप का इशू तो अब आगे, जैसा कि आप जानते हैं कि गर्मियां आ रही हैं तो हीटअप तो हो गई, लेकिन जब मैंने 15.4 अपडेट किया है तो उसके बाद अभी तक तो मुझे हीटअप का इशू नज़र नहीं आया है। तो पता नहीं क्यों ये अपडेट की वजह से हो रहा था या क्यों, अब मैं नहीं जानता। तो हालांकि इसे हीटअप होना नहीं चाहिए था। तो ये जब 15.4 मैंने किया तो उसके बाद हीटअप नहीं हो रहा। तो इसके अलावा अगर बात की जाए कि इसके वो रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन जो ऊपर आता था, लेट आता था, तो वो लेट तो अभी भी आता है, नो डाउट लेट अभी भी आता है, अगली रिकॉर्डिंग में ही आता है, लेकिन उसका लैग जो है वो फिक्स कर दिया गया, लैग अब नहीं करता है, वो FPS ड्रॉप नहीं होता है। तो उसके अलावा अगर एक और बात की जाए जो मैंने लास्ट में बात की है, सबसे बड़ी बात यही थी कि अपडेट के बाद स्टोरेज वाला इशू फिक्स हुआ है कि नहीं हुआ है, तो वो गाइस बिल्कुल फिक्स हो चुका है। तो अब उन्होंने थोड़ा और उसमें ऐड चीज़ें की हैं। वो क्या ऐड की हैं भाई, अब जिस चीज़ की स्टोरेज होगी उस चीज़ का कलर आ जाएगा, मतलब गेमिंग की फ़ोटोज़ की अलग स्टोरेज है तो उसका अलग कलर होगा, उसने कितनी जगह घेरी हुई है और मतलब ऐप्स हैं कितनी जगह घेरी हुई है वो अलग से बता रहे हैं। और वो इशू बिल्कुल सॉल्व हो चुका है कि आपको ग्लिच से जगह भरी हुई दिखेगी, तो वो बिल्कुल सॉल्व हो चुका है। उसके अलावा अगर बात करें तो ये अपडेट काफ़ी स्टेबल था, तो मैं चाहूँगा कि आप ये अपडेट कर सकते हैं अगर आप में 15.3 अपडेट सही नहीं चाह रहा और आपको भी वो अपना स्टोरेज वाला इशू आ रहा था, तो आप ये अपडेट कर लें, आपका वो इशू सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।